गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और राज्य सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो ई मोबिलिटी स्कीम के बारे में बात की गई है जो 2018 में आया था। और ई मोबिलिटी स्कीम क्या करेगा आपको अच्छी तरह से पता है, इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग क्लाइमेट फ्री बात करेंगे। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर जो बात की गई है वो बात की गई है ट्विटर अकाउंट ने जो है सो बंद कर दिया है पॉलिटिकल न्यूज़ की को, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट होंगे, डिस्कस करेंगे। द बिग पिक्चर के अंदर फ्रांस के बारे में बात की गई है, फ्रांस नहीं जर्मनी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन डेप्थ के अंदर ईपीएफओ के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। और विशेष के अंदर जो बात की गई है वो बात की गई है यूएसए के प्रेसिडेंट पे महाभियोग के बारे में। एक सामयिकी का आर्टिकल है, बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है, ये प्राइवेसी को लेकर के है, इसको हम यही डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो है सोशल मीडिया और प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। अभी हुआ क्या है, इसराइल की एक कोई कंपनी है, ये एक व्हाट्सएप पे सिर्फ मिक्स्ड कॉल देती है और सारे के सारे डाटा को चोरी हो जाता है। करीब 1500 के आसपास मामला आया है और व्हाट्सएप ने जो है जो कैलिफोर्निया में केस किया है यूएसए में, ये मामला तो चलेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपका राइट टू प्राइवेसी खत्म हो गया। देखो कोई भी कंपनी कहे कि हम पूरी की पूरे सिक्योर हैं 100%, तो तोड़ तो निकल ही जाता है। तो हमारे देश में जरूरत है डाटा प्रोटेक्शन बिल को आगे लाने की और इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क को आगे लाने की और जुडिशियल सिस्टम, जब तक कि ये डाटा प्राइवेसी कानून नहीं बनता है तब तक जुडिशियल को आगे लेके आए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट यूएसए के राष्ट्रपति पर आप लोग जानते हो ट्रंप जी को, ट्रंप ये यहाँ पर जो है सो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं ये, और जिस तरह से हमारे भारत में लगता है उसी तरह से यहाँ भी लगता है। यहाँ पर वोटिंग वगैरह चल रहा है सीनेट में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में, आप एक नज़र इसको देख सकते हो, राजद्रोह हो या रिश्वत लेना हो, जिस तरह से हमारे देश में उसी तरह से वहाँ भी आप मान के चल सकते हो कि अगर राजद्रोह कोई करता है, रिश्वत लेता है तो ऐसा होता है। अब दूसरी बात बताऊं तो ये आज का इतिहास नहीं है, ये 14वीं सदी का इतिहास है महाभियोग प्रक्रिया लाने की, चलाने की। ये आप एक नज़र देख सकते हो, स्लाइड में बस दिखा देता हूं क्योंकि ये तो वहां का न्यूज़ है, बस हमें कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। तो न्यूज़ में दूसरा महाभियोग 14वीं शताब्दी में ब्रिटेन लाता है 14th century के आसपास, और ब्रिटेन में आपको पता है जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है कौन, वारेन हेस्टिंग्स, यहाँ पर आपको दिखेगा अभी स्लाइड में, वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर सबसे ऊपर लगता है जो 72 से 85 तक शासनकाल करता है, 1772 से 85 तक, और उसके बाद जो है वारेन हेस्टिंग्स जो है सो 88 के आसपास, मतलब इन्होंने करप्शन किया था, इस तरह की बातें कही जाती हैं। देखो वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर कलकत्ता के दौरान शासनकाल में लगा था और इस तरह से ये बात, इसके बाद लॉर्ड मेलविल जो है उस पर चला था, इस तरह से बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये ईपीएफओ के बारे में बात की गई है कि 1 November ऑब्जर्व एज द फाउंडेशन डे ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ। ये 1952 से ये चलता आ रहा है और यहाँ पर जो है सो और बात की जाए इसके अंदर तो केम एग्जिस्टेंस विथ प्रोमोगेट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस के थ्रू तहत आया था फंड प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के तहत। EPFO with 135 offices across India, एक 1952 में पेंशन स्कीम, 1995 में इंश्योरेंस स्कीम, 1976 में, और यहाँ पर जो है सो 5 से 15 इन्वेस्टिबल डिपॉजिट्स इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यहाँ पर ये बातें कही जाती हैं। 100% विड्रॉ किया जा सकता है EPFO के तहत, कैन विड्रॉ फुल अमाउंट इन केस ऑफ सब्सक्राइबर इज अनएम्प्लॉयड फॉर 2 months, ये सारी कंडीशंस हैं, ये सारे वेबसाइट्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो बात की गई है ट्विटर ने क्या किया है कि ट्विटर जो है पर जो है सो पॉलिटिकल न्यूज़ आप नहीं डालेंगे, इस तरह की बात ट्विटर ने कहा है। जाहिर सी बात है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का स्पीच की बात करें या फेक न्यूज़ की बात करें या पॉलिटिकल बात करें, किस तरह से इसको बात करें, जैसे नो पॉलिटिक्स इन पॉलिटिक्स, एक तरह से ट्विटर तो नो पॉलिटिक्स इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नहीं होते हुए भी पॉलिटिक्स कर रहा है। देखो राइट टू फ्रीडम का अधिकार तो है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे हर जगह, चाहे पेपर के माध्यम से हो, चाहे हर तरह से, चाहे मीटिंग करके हो गांधी जी की तरह शांतिपूर्वक ढंग से, ये अधिकार तो है। तो इस समय में ऐसा होना ये थोड़ा उचित, पता नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। देखो इसको पॉलिसी बदलनी होगी, थोड़ा रूल्स को स्ट्रिक्ट करना होगा, तो शायद सोशल मीडिया को अच्छी तरह से रेगुलेट किया जा सकता है, ये सारी बातें इसके अंदर
कही जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जर्मनी के बारे में बात की जा रही है कि जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल जो अभी आई हुई हैं, तो ईयू के साथ अभी उनका होने वाला है, मतलब यूरोपियन यूनियन मतलब ब्रेग्जिट होने वाला है, तो जाहिर सी बात है ईयू जो है जो सेकंड मार्केट ढूंढने की कोशिश करेगा, तो भारत मिल सकता है, आईटी में हम अच्छा काम कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, जर्मन नॉट अ मिलिट्री पावर, एक मिलिट्री पावर नहीं है, सिविलियन है पावर है, इस तरह की बातें हैं इसके अंदर। यहाँ पर एक लाइन है जो देखो, जर्मन एक्सपोर्ट मशीनरी इज अ मेजर ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी, जर्मनी का जो है मशीनरी जो है एक्सपोर्ट का एक ड्राइवर इकोनॉमी है। और यहाँ पर जो है जर्मन, यहाँ पर WTO भी कोलैप्स करता जा रहा है, और इस तरह से इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया एक कॉपरेशन लेकर के आगे जा सकता है, और इंडो पैसिफिक रीजन में भी एक अहम भूमिका निभा सकता है। ये सारी बातें कही जाती हैं। FTA को प्रमोट करना चाहिए, यहाँ पोटेंशियल है FTA के अंदर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर। इंडिया अनेबल टू डिलीवर FTA नहीं कर पा रहा है, लेकिन पोटेंशियल है, किया जा सकता है। RCEP को रिवाइव करना चाहिए, और इस तरह से हम लोगों को मार्केट, एक वी आर लुकिंग लूजिंग लॉसिंग मार्केट एक्सेस टू नेशंस लाइक बांग्लादेश, हम लोग इसको भी लूज करते जा रहे हैं, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। यह आर्टिकल असल में अच्छा है, इंडिया अलाउइंग टू बायोलेटरल FTA विथ इंडिविजुअल EU, मतलब बायोलेटरल को इंडिविजुअल EU के साथ भी किया जा सकता है, कुछ कुछ कंट्री के साथ भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकली जर्मन ऑटोमोबाइल सेक्टर, देखो अभी दो बातें हैं, जर्मनी का भी ऑटोमोबाइल सेक्टर खराब है, भारत का भी है, हालांकि स्लो डाउन है, वहाँ का भी इकोनॉमी स्लो डाउन है, भारत की भी इकोनॉमी स्लो डाउन है, जाहिर सी बात है दोनों मिल करके अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर के अच्छा आगे आ सकता है यहाँ पर। और एस्पेक्ट्स इंडिया में क्लाइमेट चेंज पर बात कर सकता है, जर्मन्स आर सेकेंड लार्जेस्ट एड डोनर टू इंडिया, जापान एंड लॉट ऑफ एड फोकस्ड क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज पर तो दोनों मिलकर के, वैसे भी ये जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस था कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, इस पर भी काम दोनों मिलकर के कर रहा है, नहीं वो फ्रांस के साथ था, जर्मनी के साथ नहीं वो फ्रांस के साथ था, सॉरी ये जर्मनी की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर पॉलिटिकल कॉनेशन भी है, यहाँ पर ब्रेग्जिट की बात की जाती है, मतलब EU पावर सेंटर शिफ्टिंग टुवार्ड्स फ्रांस, EU का पावर फ्रांस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जर्मन इकोनॉमी स्लो हो रहा है तो जाहिर सी बात है उधर जाएगा। जर्मनी वर्क विथ जर्मनी एंड अदर मिडिल पावर्स के साथ और जर्मनी के साथ भारत कंसेंसस बना करके ग्लोबल इशू पर बात कर सकता है, एशियान को आगे बढ़ाया जा सकता है सब मिलकर के साथ लेकर के। इकोनॉमी को रिवाइवल करना है तो फोकस करना होगा, मैन्युफैक्चर पर ध्यान देना होगा, IT सेक्टर को यूज किया जा सकता है, ये सारी बातें इसके अंदर कही जाती हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था, थैंक यू। Thank you.